और बेटा देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए अपने आप की कॉपी कैसे बनाता है, उसकी क्या मैकेनिज्म है, डीएनए कैसे काम करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है तो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में हो रहा है, माइटोकांड्रिया में हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहला स्टेप क्या है, उसके बाद क्या है, आइए देखा जाए। तो अगर आप डीएनए का रेप्लिकेशन देखते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप है, मान लीजिए वो सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन, या आप ऐसे लिख सकते हैं ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। सबसे पहला स्टेप है कि जो डीएनए है उसे खोला जाए। ये देखिए पहला स्टेप है ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, सबसे पहला स्टेप है। तो इस स्टेप में होता क्या है, अगर आप समझे तो ये सेल है, अगर यूकैरियोटिक सेल देख रहे हैं तो ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए पड़ा हुआ है। डीएनए एक बहुत ही बड़ा पॉलीमर है, तो डीएनए पर जहां पर भी रिप्लिकेशन शुरू होता है उस जगह को हम लोग ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं। जिस जगह पर रिप्लिकेशन शुरू होता है उसे हम लोग ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं, शॉर्ट में भी इसे ओआरआईसी कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। जैसे आप ये देखिए, अगर ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये देखिए ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, तो डीएनए मॉलिक्यूल में जहां पर भी रिप्लिकेशन जहां से शुरू होगा उस जगह को हम लोग ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं। सबसे पहले आपको ये बात सीखनी है, ये डीएनए का लॉन्ग पॉलीमर है। अगर मान लेते हैं कि ये जगह है जहां पर डीएनए का रिप्लिकेशन शुरू हो रहा है, ये जगह है रिप्लिकेशन शुरू हो रहा है, इसे हम लोग शॉर्ट में ओआरआई कहते हैं। ओआरआई माने ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो आपको दोनों सेल में देखना है, आपको प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखना है, यूकैरियोटिक सेल में देखना है। तो सबसे पहले आप ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देख लें। अगर आप ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन मतलब जहां पर रिप्लिकेशन शुरू हो रहा है, अगर आप यहां लिखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये केवल कोई एक जगह होगी, मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल में ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन किसी एक जगह पर होगा, सिंगल लोकेशन पर होगा, ये देखिए। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक सेल देख रहे हैं तो यूकैरियोटिक सेल में जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है ये कई जगह होता है, यूकैरियोटिक सेल में जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है ये मल्टीपल होता है। इवन लोगों ने लिखा है कि ये हो सकता है हजारों जगह पे हो, 1000 लोकेशंस पे है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में कि डीएनए का रिप्लिकेशन जहां शुरू होगा उसे हम ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं। ये सबसे पहले आप दिमाग में सेट करें, ये लोकेशन हो गई। अब आपने इस डीएनए पे एक एंजाइम इस्तेमाल किया जिस एंजाइम का नाम हेलिकेज है। अगर आप देखें हेलिकेज एक एंजाइम है, या इसी एंजाइम का नाम अनवाइंडेज है, हेलिकेज है या अनवाइंडेज है, ये एक एंजाइम है जो एनर्जी डिपेंडेंट है, मतलब ये एटीपी का इस्तेमाल करता है। और जैसे ही आपने इस एंजाइम का इस्तेमाल किया तो ये हमारा जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है किसी एक जगह पर ये ऐसे खुल जाएगा। ये देखिए मान लीजिए ये लोकेशन है जहां पर डीएनए खुल गया और आगे का डीएनए बंद रहेगा। मतलब आपको एक बात समझनी है कि एक बार में ये जो पूरा डीएनए इसे नहीं खोल पाएगा। अगर आप पोलैरिटी लिखना चाहते हैं लिख लें, ये 3' है तो ये 5' है, ये 3' है तो ये 5' है। ये डीएनए की वो लोकेशन है जहां पर ये डीएनए ऐसे खुल जाता है, ये देखिए। अच्छा एक बात ध्यान रखें, ये जो अनवाइंडेज या हेलिकेज है, अगर इसके बारे में लिखा जाए तो अनवाइंडेज जो है इसके बारे में आप देख लें, यहां पर आपने अनवाइंडेज एंजाइम लगाया है। यहां पर आप इसे बना दें कि आपने अनवाइंडेज एंजाइम लगाया, डीएनए का स्ट्रैंड खुल गया, इसका मतलब अनवाइंडेज जो है ये एनर्जी डिपेंडेंट है, मतलब ये एटीपी का इस्तेमाल करता है, एनर्जी डिपेंडेंट है। बेटा एक बात और ध्यान रखें, ये नाइट्रोजन की जो बेस है, जैसे यहां ए था तो यहां क्या था, टी था,
यहाँ सी रहा होगा तो यहाँ क्या रहा होगा, जी रहा होगा, यहाँ जी रहा होगा तो यहाँ सी, यहाँ ए रहा होगा तो यहाँ टी, यहाँ टी रहा होगा तो यहाँ ए, यहाँ ए रहा होगा तो यहाँ टी, यहाँ सी रहा होगा तो यहाँ जी, और यहाँ ए रहा होगा तो यहाँ टी, इनके बीच में यहाँ कौन सा बॉन्ड रहा होगा, बोलिए कौन सा बॉन्ड रहा होगा, बोलो ना। तो इसका मतलब ये जो है इट ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो है ये केवल हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करता है डीएनए के अंदर। देख लीजिए इनके, आपने पढ़ा है ना भाई कि ए और टी के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, टी और ए के बीच में, सॉरी टी ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, लेकिन सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आखिर इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, आपको चाहिए कि हेलिकेज को चाहिए, बोलो हेलिकेज को चाहिए। तो जब आप हेलिकेज का इस्तेमाल करेंगे तो डीएनए के बीच में ये जो डीएनए के हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं इनके बेसिस के बीच में ये ब्रेक कर जाएंगे। अब इस एंजाइम के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि पूरे डीएनए के मॉलिक्यूल को एक साथ ब्रेक कर दे। इसका मतलब डीएनए रिप्लिकेशन में पूरा का पूरा डीएनए एक साथ नहीं खुलता है, पूरा का पूरा डीएनए एक साथ नहीं खुलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मतलब ये बात लिखना है कि ये है डीएनए रिप्लिकेशन में, डीएनए रिप्लिकेशन में इंटायर डीएनए डू नॉट ओपन, इंटायर डीएनए, जो इंटायर डीएनए है मतलब पूरा का पूरा डीएनए है, इंटायर डीएनए हेलिक्स, इंटायर डीएनए हेलिक्स डू नॉट ओपन। आपसे कोई पूछेगा क्यों, क्यों भाई, ये महा ये हनुमान नहीं है, ये जो हेलिकेज है ये हनुमान नहीं है, आप इसे हनुमान नहीं कहते कि ये हनुमान जी हैं, पूरा जो है एक साथ ही जो है पूरा का पूरा पहाड़ लेके चल पड़े, तोड़ते हैं बॉन्ड, ये हेलिकेज तोड़ता है लेकिन पूरे डीएनए के एक साथ नहीं तोड़ता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो इसका मतलब ये डीएनए के स्टैंड ऐसे ब्रेक कर जाता है इस जगह पे। तो जब ये ब्रेक कर जाता है तो ये जैसे जैसे ये हाथ खुल गया ऐसे डीएनए खुल जाता है, ये आंख खुल गया तैसे खुल जाता है, या जो आप जैसे चाउमीन खाते हैं वो जो चम्मच होती है उसके जो दांते होते हैं ऐसे डीएनए खुल जाता है, खुली ही आंखों जैसे होता है। तो जहां पर डीएनए खुल जाता है उसी जगह को हम लोग रिप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन फॉर्क। फॉर्क माने समझ रहे हैं ना, अगर आपको डर लग रहा है तो कोई चीज ऐसे, कोई चीज हो और ऐसे होते हुए ऐसे ब्रेक कर जाए, जैसे आप वो चाउमीन वाला चम्मच होता है इसे हम लोग फोर्क कहते हैं। तो रिप्लिकेशन फोर्क क्या है? साइट वेयर डीएनए ओपन्स, वो जगह जहां पर डीएनए, साइट वेयर डीएनए हेलिक्स ओपन्स, वो जगह जहां पर डीएनए की हेलिक्स खुल जाती है उस जगह को हम लोग रिप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ये देखिए पहला काम हमने कर दिया। अब आपसे मैं पूछूं ये मोनोफॉस्फेट है ट्राईफॉस्फेट है, आप कहेंगे सर ये मोनोफॉस्फेट है। तो सबसे पहला काम हुआ हमने डीएनए जो एक लॉन्ग पॉलीमर है इसको हमने ब्रेक कर दिया, लेकिन पूरे डीएनए को एक साथ नहीं ब्रेक किया, कुछ पर्टिकुलर लोकेशन को हमने डीएनए में खोल दिया, जिन जगहों पर डीएनए को खोला जाता है उस जगह को ओराइची कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ये सिंगल लोकेशन होती है लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये मल्टीपल लोकेशन होती है। आगे देखिए जब ऐसा हो जाता है तो अब देखिए कन्वर्जन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड इनटू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट इनटू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। थोड़ा सा बड़ा है, आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि चिंता करेंगे तो चिंता जो होती है चिता जैसे जलाती है, चिंता तो करनी ही नहीं है, आप कहाँ चिंता करते हैं। गाना नहीं सुना हम उनकी मोहब्बत में दिन रात सनम रोते हैं, किसकी मोहब्बत है? ये डीएनए की मोहब्बत है। देखिए कितनी आसान सी बात है, अगर आप ये देखें कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, बोलो भाई न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये डीएनए का मॉलिक्यूल पड़ा है, तो आपको यहीं पर एडेनिन थायमिन साइटोसिन गुआनिन ये किस फॉर्म में पड़े हैं अगर आपसे पूछो, तो ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में नॉर्मली पड़े हुए हैं।
जीवन फेज में। लेकिन अगर आपको इसी डीएनए जैसी कॉपी बनानी है तो डीएनए बना किसका है, इन्हीं बेसिस का बना है, तो ये जो मोनोफास्फेट में इनको ट्राईफास्फेट में कन्वर्ट करना है। इसी बात को अगर आप ऐसे लिखें कि सर देखिए डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफास्फेट, देखिए ध्यान रखिएगा वहां साइट ट्राइफास्फेट लिखा है। अब इनमें हम किसका इस्तेमाल कर देंगे, एटीपी का, एटीपी लगा के कौन सा एंजाइम लगाएंगे, याद रखिए फास्फोराइलेज। हम इनको ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि ये सेल का जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस है, उसमें ये इनएक्टिव पड़े थे, हम इनको एक्टिव कर रहे हैं। जैसे आप क्लास में बैठे होते हैं, आपको कहा टीचर एक्टिव हो जाओ यार क्या कर रहे हो तुम, ऐसे देखिए ये पहले इनएक्टिव थे मोनोफास्फेट, अब इसमें हो गए, ये ट्राईफास्फेट में कन्वर्ट हो गए, और जो आपने एंजाइम लगाया है वो एंजाइम कौन सा है, आप इधर उसका नाम लिख लें, उस एंजाइम का नाम है फास्फोराइलेज। फास्फोराइलेज लगाया, इसने क्या किया, देखिए इस डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफास्फेट को डीऑक्सी ट्राईफास्फेट, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राईफास्फेट में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से आप देखिए डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफास्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफास्फेट, डीऑक्सी थायमिडीन ट्राइफास्फेट, इस तरह से तीन फास्फेट भी कन्वर्ट हो गया। अब ये बेटा हो गया एक्टिव। अब ये दो काम करेंगे, क्या क्या काम करेंगे, एक तो ये एक्ट एज सबस्ट्रेट काम करेंगे, मतलब ये डीएनए के बनने में सबस्ट्रेट का काम करेंगे, क्योंकि ये ट्राइफास्फेट है इसलिए डीएनए रिप्लिकेशन में प्रोवाइड्स एनर्जी, ये एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे डीएनए के रिप्लिकेशन में, और यही बात है जिसको एनसीईआरटी ने इनडायरेक्ट लिखा है, मतलब एनसीईआरटी ने सीधे इस बात को लिख दिया है, सीधे ट्राईफास्फेट बना दिया, पीछे की बात को उसने नहीं लिखा है। तो मोनोफास्फेट को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, ट्राईफास्फेट में, ताकि न्यूक्लियोप्लाज्म में ये जो नाइट्रोजन के सिंगल नाइट्रोजन के इनएक्टिव बेसिस है वो अब एक्टिव फेज में कन्वर्ट हो जाए, वो एक्टिव फेज में कन्वर्ट हो जाए। तो बेटा अनवाइंडेंस डीएनए के हेलिक्स को खोल देता है, उसके बाद जो है जो मोनोफास्फेट होते हैं उनको ट्राईफास्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जो इनएक्टिव नाइट्रोजन के बेस हैं वो एक्टिव हो जाए। ये सारा काम यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में हो रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, इसका पूरा ध्यान रखना है आपको। अब आइए देखिए क्या होता है, जैसे जब कोई चीज ऐसे वाइंडिंग हो, ऐसे वाइंड हो जैसे रस्सी है, अब उसको ऐसे खोल देंगे तो पीछे क्या होगा, टेंशन जनरेट होगा। तो जब टेंशन जनरेट होगा, मतलब जैसे मान लीजिए ये डीएनए खुला है इस जगह पे, इस जगह पे डीएनए की हेलिक्स खुल गई, तो जब डीएनए की हेलिक्स खुल गई तो जब ये खुला होगा तो पीछे टेंशन जनरेट हुआ होगा। जब यहाँ टेंशन जनरेट हुआ होगा तो आप देखिए यहाँ पर एक एंजाइम, खास तरह का एंजाइम है जो यहाँ पर काम कर रहा है, इस एक खास तरह के एंजाइम का जो नाम है, इसका नाम है टोपो आइसोमेरेज। अब ये टोपो आइसोमेरेज क्या कर रहा है, पहले आप इसका फंक्शन देख लें। अगर आप इस टोपो आइसोमेरेज का फंक्शन देखें तो ये, अगर आपको इसका लिखना हो फंक्शन, तो आप ऐसे लिखिए सर ये टोपो आइसोमेरेज है, ये टोपो आइसोमेरेज है जो कट एंड रीज्वाइन, आप ऐसे लिख लें कट एंड रीज्वाइन डीएनए स्ट्रैंड, कट एंड रीज्वाइन क्या, डीएनए स्ट्रैंड एंड रिलीज टेंशन। डीएनए हेलिक्स खुलने पे जो टेंशन रिलीज हो रही है, जो टेंशन हो रही है, जो पीछे वो ऐठा जा रहा है, उस टेंशन को ये रिलीज कर रहा है। तो ये देखिए कट एंड रीज्वाइन डीएनए स्ट्रैंड एंड रिलीज टेंशन, मतलब जो पीछे ये टेंशन जनरेट हुई होगी डीएनए पीछे, जो ऐसे गोला ऐठा हुआ होगा, मतलब ये ऐसे ऐसे जो डीएनए ऐठ गया होगा इस तरह से, उसको ये कट करके रीज्वाइन कर देता है, ताकि ये जो है इस पे टेंशन न बढ़े। अब एक प्रॉब्लम और है, आप ये सोचिए कि जब ये डीएनए खुला होगा तो यहाँ पर तो नाइट्रोजन के बेस रहे होंगे, इन नाइट्रोजन के बेसिस पे किस बॉन्ड को हेलिकेज ने तोड़ा था, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा था, तो ये फिर से जुड़ने की प्रवृत्ति रखेगी, ठीक है समझे, जैसे कोई चीज खुली हो तो बंद होना चाहेगी, तो बंद होना जब चाहेगी तो इस लोकेशन पे खास तरह का एंजाइम काम करेगा, यहाँ पर इस लोकेशन पर एक खास तरह का एंजाइम काम करेगा। इस एंजाइम का नाम है SSPPS नाम है, अगर आप इसका पूरा नाम देखें, इसका अगर आप पूरा नाम देखें, यहां पर आप देखें SSPPS का पूरा नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, इसका पूरा नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड कौन सी प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन, ये देखिए, इसीलिए इसको शॉर्ट में हम लोग SSPPS कहते हैं। पूरा नाम देख लें आप, चाहे शॉर्ट फॉर्म देख लें, इसका पूरा नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, या इसी का नाम है हेलिक्स स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन, हेलिक्स
स्टेबलाइजिंग हेलिक्स स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, ये प्रोटीन पड़ी हुई है। ये पहली बात आप ये जान लें कि ये नॉन एंजाइमेटिक है, मतलब इसका कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रही है या घटा रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, नॉन एंजाइमेटिक है। तो काम क्या करता है, इट हेल्प्स टू ओपन डीएनए स्ट्रैंड। ये डीएनए के जो स्ट्रैंड खुले हुए हैं उनको जो है ये ओपन रखती है, मतलब उनको बंद नहीं होने देती है, ये जो दो डीएनए के हेलिक्स हैं इनको बंद होने नहीं देती है। तो ये अगला स्टेप है, मतलब पहले डीएनए खोला जाता है, फिर डीएनए के दोनों हेलिक्स को पीछे जो टेंशन उसको रिलीज किया जाता है, फिर इसको स्टेबल किया जाता है। जब ऐसा हो जाता है, ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स हो जाती है, तो अब देखिए इसका दूसरा फास्ट जो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर है। अब आप सोचेंगे सर ये आरएनए प्राइमर क्या है, हम आपको बताते हैं क्या है आरएनए प्राइमर। अगला स्टेप है आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन। तो इस आरएनए प्राइमर का जो फॉर्मेशन करता है उस एंजाइम का नाम प्राइमेज है। प्राइमेज जो होता है फॉर्म्स आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर क्या है पहले आप ये समझ लें, इसके पहले आपको दूसरी बात सीखनी पड़ेगी। मैंने भी आपको बताया कि डीएनए रिप्लिकेशन में एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट, कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। ये हमारा एंजाइम है जो डीएनए का रिप्लिकेशन करता है, मतलब नाइट्रोजन के बेस को लेकर जोड़ता है। ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम रिप्लिकेशन मदद करता है। लेकिन ये एंजाइम जो है इट डू नॉट एबल टू स्टार्ट रिप्लिकेशन, इट डू नॉट एबल टू स्टार्ट रिप्लिकेशन। ये रिप्लिकेशन को शुरू नहीं कर सकता है, एबल टू स्टार्ट रिप्लिकेशन डायरेक्टली, मतलब अगर इसको रिप्लिकेशन करना है तो ऐसा नहीं है कि सीधे खुले हुए डीएनए पे, मान लीजिए यहां पर एडेनिन है तो इसके सामने लेके थायमिन को जोड़ दे, ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकता है। इट डू नॉट एबल टू स्टार्ट रिप्लिकेशन डायरेक्टली, मतलब ये डायरेक्टली रिप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता है, इसलिए हमें आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। तो आरएनए प्राइमर, अच्छा ये जो एंजाइम है कैटलाइज रिएक्शंस, अगर आप इसकी रिएक्शंस देख लें किस कैटलाइज रिएक्शंस, जब भी ये कैटलाइज करेगा रिएक्शंस को तो हमेशा इसका खुद का जो डायरेक्शन है वो 5' to 3' है। इस एंजाइम का डायरेक्शन 5' to 3' है, मतलब 5' से शुरू करेगा जोड़ना, 3' पे चलता जाएगा। जब 5' to 3' पे ज्वाइन करना शुरू करेगा तो डीएनए का जो स्ट्रैंड होगा वो 3' to 5' होगा, मतलब ये हमेशा 5 से चलता है, ऐसे समझे आप। जब ये डीएनए पे 5 से 3 चलता है इस तरह से, तो जब ये 5 से 3 चलता है तो उस समय डीएनए क्या होता है 3 to 5 होता है, मतलब अगर ये डीएनए 3 to 5 है तो ये 5 to 3 चलता है, ये बात आपको सीखनी है। तो ये 5 to 3 का काम करता है, इसकी स्पीड अच्छी होती है, खास करके अगर आप प्रोकैरियोट्स देख रहे हैं तो इसका जो पॉलीमरेज थर्ड है वो सबसे फास्ट काम करता है। पॉलीमरेज जो इसका थर्ड वाला है वो सबसे फास्ट काम करता है। अगर आप इसका देखें तो एस्टेराइज या कोलाई में बेस पेयर है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। इन बेस पेयर को इस एस्टेराइज या कोलाई की सेल को ये 20 मिनट में डीएनए को डबल कर देता है, 20 मिनट का डीएनए डबल कर देता है, मतलब इतने डीएनए का रिप्लिकेशन कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये 2000 बेस पेयर पर सेकेंड जोड़ता है। तो मेन प्रॉब्लम यह है कि डीएनए क्या जो पॉलीमराइजेशन है उसको ये डायरेक्ट नहीं शुरू कर सकता है। आपको इस एंजाइम की पूरी बात ध्यान देनी है कि क्या नाम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये प्रक्रिया को डायरेक्ट नहीं शुरू कर सकता, मतलब यहां पर किसी भी डीएनए के बेस को लेकर जोड़ नहीं सकता है डायरेक्ट, इसलिए हमें आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। ये हमेशा 5' to 3' पे काम करता है और पॉलीमरेज थर्ड ही मेनली जो है पॉलीमराइजेशन कराता है। इस तरह से कोलाई में बेस पेयर इतने हैं, 20 मिनट में डीएनए डबल हो जाता है, इस तरह से 2000 बेस पेयर पर सेकेंड ये जोड़ने का काम करता है। आइए देखा जाए, तो अगर आप आरएनए प्राइमर क्यों बनाते हैं, फॉर स्टार्टिंग ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए के रिप्लिकेशन को शुरू करने के लिए हम आरएनए के प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं।
ये आपको ध्यान रखना है फॉर स्टार्टिंग ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। तो आप यहां देखिए, अगर आप ये बनाए हैं, ये देखिए, अगर आप ऐसे बनाया है डीएनए कि हमारा डीएनए का स्ट्रैंड जो खुला हुआ है, ऐसे आप बना दीजिए इस तरह से, ये यहां तक तो बंद स्ट्रैंड है, ऐसे आपको सीखना है इस तरह से, ये स्ट्रैंड बंद है और यहां पर ये स्ट्रैंड खुला हुआ है। अब अगर आपको इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी देखनी है, इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी देखनी है, तो हमेशा इधर से इधर देखना है, आप कभी इधर से इधर नहीं देखेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर आपने यहां पर पोलैरिटी लिखी, इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' to 5', आप हमेशा इधर से इधर पढ़िएगा इसको, इधर से इधर नहीं पढ़ना, फिर से मैं कह दे रहा हूं इधर से इधर पढ़ना है। तो डीएनए का एक स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, दूसरा स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' है, मैंने बार बार कहा जिधर से खुला है उधर से ही पढ़ना है, इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' to 5' है, इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5' to 3' है। अब आप देखिए, ये जो आरएनए प्राइमर बनता है, ये 10 से 12 राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना रहता है, 10 से 12 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, ये प्रक्रिया को शुरू करता है। तो एक आरएनए प्राइमर सीधा का सीधा इस स्ट्रैंड पे पूरा का पूरा बनता है। आप ध्यान रखें, ये पोलैरिटी है आरएनए प्राइमर की 5' to 3'। तो अगर आपसे पूछूं कितना आरएनए प्राइमर है, आप बोलेंगे एक। प्राइमर की पोलैरिटी क्या है, ध्यान से देखें, 5' to 3', और डीएनए की पोलैरिटी क्या है, 3' to 5'। एक आरएनए प्राइमर इधर बनता है, तो डीएनए का वह स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, इस पे डीएनए का रिप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता है। लेकिन ये जो वाला स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' है, इस पे आप आरएनए प्राइमर देखें, पहला आरएनए बने प्राइमर रहेगा 5' to 3', फिर आरएनए का प्राइमर बनेगा 5' to 3', फिर आरएनए का प्राइमर बनेगा 5' to 3'। इस तरह से अगर आप देखें, तो डीएनए के वह स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, उस पे आरएनए प्राइमर एक है, और डीएनए का वह स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' है, उस पे आरएनए के प्राइमर एक से ज्यादा है। ये आरएनए के प्राइमर लगभग 2000 से 3000 होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। मतलब ये भी हुआ कि इस स्ट्रैंड पे डीएनए के, ये जो स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, डीएनए की स्ट्रैंड की पोलैरिटी, प्राइमर का नहीं देखना है आपको, डीएनए के इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी जो आप देख रहे हैं 3' to 5' पे, इस स्ट्रैंड पे जो डुप्लीकेशन होना है वो कंटिन्यूअस होगा, इसलिए इस स्ट्रैंड को हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। मतलब लीडिंग स्ट्रैंड की अगर आपसे पोलैरिटी पूछे तो आप क्या बताएंगे, आप प्राइमर की पोलैरिटी नहीं बताएंगे, आप स्ट्रैंड की पोलैरिटी बताएंगे 3' to 5'। और जिस पोलैरिटी पे आरएनए के प्राइमर 2000 है, उसकी पोलैरिटी 5' to 3' है, इसे हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इस पे आरएनए के प्राइमर कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए इस स्ट्रैंड को हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि ये रिप्लिकेशन कंटिन्यूअस नहीं होता है, जबकि यहां पर रिप्लिकेशन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। मतलब ये समझिए कि अगर यहां एडेनिन होगा तो इसके थायमिन जुड़ेगा, लगातार पॉलीमराइजेशन होगा इस रिएक्शन में 5' to 3' की तरफ। तो आपको अगर कोई पूछे कि 3' to 5' की किसकी स्ट्रैंड की पोलैरिटी है, तो आप कहेंगे सर ये स्ट्रैंड है जो लीडिंग है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है। अगर आपसे कोई कहे कि लैगिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है डीएनए की, तो आप इसको समझ लें कि लैगिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5' to 3' है। ये आपको पोलैरिटी इधर से इधर देखनी है, प्लीज आप ये बात फिर समझ लें, डीएनए की पोलैरिटी 3' to 5' है, और इस डीएनए की पोलैरिटी 5' to 3' है, जिसपे ये आरएनए के प्राइमर लगे हुए हैं। मैं इनका नाम लिख देता हूं कि इन प्राइमर्स का नाम है आरएनए के प्राइमर्स हैं। आपको ये बात और ध्यान रखना है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है, ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है, इस पे प्राइमर सिंगल है, देख लीजिए लगातार है, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड में प्राइमर की संख्या, जो लैगिंग स्ट्रैंड है इसके प्राइमर की संख्या इसमें ज्यादा हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, लगभग इनकी संख्या 2000 से 3000 होती है। तो इस तरह से ये जो प्राइमर बनता है, ये नाइट्रोजन बेस को इस प्राइमर पे पहला बेस ले आ चुके जोड़ने का काम उस एंजाइम का नाम है जिसका नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, वो पहला ले आके बेस यहां पर जोड़ेगा ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म पे। तो आप ये लगातार ऐसे बेस जोड़ता जाएगा और ये प्राइमर धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे क्या होता है, आगे देखें। तो मैंने बताया बेटा आपको आरएनए के प्राइमर जो है डीएनए रिप्लिकेशन में शुरू करते हैं। तो अब आप ये देखिए, जब ऐसे ही आरएनए का एक प्राइमर है, ये देखिए आरएनए का सिंगल प्राइमर है इस स्ट्रैंड पे, आप यहां देखें इस स्ट्रैंड पे, आप यहां एक बात क्लियर कर लें,
पहले आप क्लियर कर ले फिर हम लोग बात करते हैं। दो स्टैंड आपको डीएनए में दिख रहे हैं, एक स्टैंड की पोलैरिटी है, ध्यान से देखें, इस स्टैंड की पोलैरिटी है 3' to 5', ये, या अगर आप चाहें तो ऐसे लिख लें, इस बात को ऐसे लिख लें कि लीडिंग स्टैंड किसे कहते हैं, पहले ये कंफर्म हो जाए फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये लीडिंग स्टैंड है, अगर आप लीडिंग स्टैंड को देखें तो इसका दूसरा नाम है, पहले आप यहां लीडिंग लिख लें और यहां लिख लें कि ये लैगिंग स्टैंड है, लैगिंग स्टैंड है, ये डीएनए के दो स्टैंड्स हैं। अगर आपको पोलैरिटी क्लियर करनी है तो पहले आप दोनों की पोलैरिटी क्लियर कर लें। अगर लीडिंग स्टैंड की पोलैरिटी देखें तो आप यहां देखें 3' to 5' है, डायरेक्शन ऐसे है, इस स्टैंड की पोलैरिटी है 3' to 5', जबकि इस स्टैंड की पोलैरिटी है 5' to 3'। ये क्लियर कर लीजिए, ये डीएनए के दो स्टैंड है, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, इस पे डीएनए का जो रिप्लिकेशन होगा इस पे कंटिन्यूअस रिप्लिकेशन होगा। कंटिन्यूअस रिप्लिकेशन होगा मतलब ये हुआ कि अगर रिप्लिकेशन शुरू होगा तो यहां से शुरू होगा, लगातार चलता जाएगा, इसीलिए इसे हम लोग कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। इस पे जो डीएनए का रिप्लिकेशन है लगातार नहीं होगा, बीच बीच में गैप होगा, इसे हम लोग डिसकंटिन्यूअस रिप्लिकेशन स्ट्रैंड कहते हैं, ये आप दूसरा लिखते हैं। तीसरा डिफरेंस लिखे कि ये डिफरेंस है कि इसमें जो आरएनए प्राइमर है, इस स्टैंड पे आरएनए प्राइमर जो है, देखें ये सिंगल है, मतलब एकमात्र आरएनए प्राइमर है, लेकिन अगर आप इस स्टैंड पे देखें तो जो आरएनए प्राइमर है मल्टीपल है, इनकी संख्या जनरली जो है 1000 के आसपास होती है। ये दोनों स्टैंड का डिफरेंस क्लियर रखना है आपको, दोनों स्टैंड मैंने लिख दिया। अब दोनों स्टैंड जब क्लियर हो जाएंगे, अब आप डीएनए का रिप्लिकेशन, आपने लिखा है इलांगेशन ऑफ न्यू स्टैंड, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो अब आप देखें जब पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो ये हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल है जो खुला हुआ है, ऐसे देखिए, ये देखिए डीएनए का मॉलिक्यूल है जो खुला हुआ है ऐसे, इस तरह से, यहां तक ये बंद था, बोल दीजिए बिल्कुल हाँ सर ये भी सही है। अगर आपको इसका और क्लियरेंस करना है तो आप स्टैंड पोलैरिटी लिखिए, इस पोलैरिटी है 3' to 5', इसकी पोलैरिटी है 5' to 3'। ये इसे हम लोग लीडिंग स्टैंड कहते हैं, लीडिंग कहते हैं, ये देखिए लीडिंग स्टैंड कहते हैं, और इस स्टैंड को हम लोग लैगिंग स्टैंड कहते हैं, लैगिंग स्टैंड कहते हैं, ये बात सीखे आप, लैगिंग स्टैंड कहते हैं। अब आप दूसरा काम कर लें, इस पे नाइट्रोजन के बेस लिख लीजिए, आप इसे 4-6 नाइट्रोजन के बेस लिख लीजिए, जैसे आप यहाँ एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, जो भी आपका मन करे आप इसे लिख लें, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हम सिखाना क्या चाहते हैं आपको। आपने ऐसे लिख लिया, ये पहले से पढ़े हैं पेरेंट पे, इसका उल्टा इधर पड़ा होगा, अगर वहां ए है तो यहाँ टी रहा होगा, वहां टी है तो यहाँ ए रहा होगा, यहाँ सी है तो यहाँ जी रहा होगा, यहाँ सी है तो यहाँ जी रहा होगा, यहाँ जी 3 बार है तो यहाँ 3 बार सी लिख दीजिए, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। यहाँ टी लिखा है तो आप यहाँ लिख लीजिए ए, और यहाँ ए लिखा है तो आप यहाँ लिख लीजिए टी। ये हमारा पेरेंट डीएनए है, मतलब जो डीएनए हम पहले से जानते हैं, ये हमारा पेरेंट डीएनए है, और इस पेरेंट डीएनए पे हमारा ये प्राइमर लगा है, जिस प्राइमर का नाम है आरएनए प्राइमर। ये देखिए ऐसे आरएनए प्राइमर इधर है, इस प्राइमर की पोलैरिटी है 5' to 3'। ऐसे यहाँ पर भी प्राइमर लगे हैं 5' to 3', फिर देखिए 5' to 3', फिर देखिए 5' to 3'। ये आरएनए के प्राइमर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब इस पे जो आपने ट्राइफॉस्फेट पहले कन्वर्ट किया था मोनोफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में, इसका पॉलीमराइजेशन होना है, तो पॉलीमराइजेशन होने के लिए हमारे पास एंजाइम है। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात किया जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में 3 तरह के हमको एंजाइम मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये जो एंजाइम है, इसके 3 टाइप प्रोकैरियोटिक सेल में पड़े हुए हैं, आपको ये बात सीखना है। इसके 3 टाइप है, जैसे इसका पहला टाइप है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो ये पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, पहला काम करता है डाइजेस्ट आरएनए प्राइमर, प्रक्रिया को शुरू होने के बाद ये आरएनए प्राइमर को खत्म कर देता है। दूसरा, ये जो है एररलेस रिप्लिकेशन कराता है। एररलेस रिप्लिकेशन मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर रिप्लिकेशन गड़बड़ हो रहा है तो उसको सही कर देता है, किसी तरह से गड़बड़ी नहीं करता है। ये देखिए,
इसी आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को हम लोग कोरिनबर्ग एंजाइम कहते हैं, वैज्ञानिक का नाम है कोरिनबर्ग, उन्होंने सबसे पहले इसे खोजा था, इसीलिए इसे हम लोग कोरिनबर्ग एंजाइम कहते हैं। तो इसके दो फंक्शन है, इस फर्स्ट के दो फंक्शन है, आरएनए प्राइमर को डाइजेस्ट करता है, ओरिजिनलेस जो है रिप्लिकेशन शुरू करता है। अगर ये एंजाइम ये फर्स्ट ना होता, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ना होता, तो इसमें म्यूटेशन हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, इसी का दूसरा टाइप है, ये फर्स्ट हो गया। अगर आप सेकेंड देखें, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आप सेकेंड देखें, तो इट पॉलीमराइजेस ओनली 50 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट, मतलब एक मिनट में ये 50 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर लेके जोड़ेगा, स्लो है। इसका थर्ड वाला देखिए, डीएनए डिपेंडेंट वाली पॉलीमरेज फर्स्ट, इट इज पोटेंट एंड कैन पॉलीमराइज वेरी फास्ट, ये बहुत ही फास्ट करता है, इसीलिए हम लोग थर्ड वाले का इस्तेमाल, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का इस्तेमाल यहां पर करते हैं। ध्यान रखिए, तीन तरह के एंजाइम प्रोकैरियोटिक सेल में है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का जो फर्स्ट है वो प्राइमर का डाइजेस्ट करता है और ओरिजिनलेस रिप्लिकेशन करता है, सेकंड वाला काफी स्लो है, 50 बेस पेयर पर मिनट जोड़ता है, और जो थर्ड वाला है बहुत फास्ट है, वो इतना फास्ट है कि ये 2000 बेस पेयर पर सेकंड जोड़ता है, जबकि ये 50 बेस पेयर पर मिनट जोड़ता है। आप सोचिए कितना डिफरेंस है, एक मिस्त्री है जो 50 ईंटें एक सेकंड में जोड़ता है, 50 ईंटें एक मिनट में जोड़ रहा है, और एक मिस्त्री है जो 2000 बेस पेयर पर सेकंड जोड़ रहा है। किसका इस्तेमाल करेंगे आप पॉलीमराइजेशन में? थर्ड वाले का इस्तेमाल करेंगे, तो अब पॉलीमराइजेशन शुरू होता है। आपको अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर लें, सबसे पहले इस एक के सामने, अच्छा मैंने पहले बताया था कि ये जो एंजाइम है ये खुद अपने आप को 5' to 3' में कैटलाइज करता है, इसका ध्यान रखना है। तो अब अगर ये एंजाइम शुरू करेगा पॉलीमराइज करेगा, तो ए के सामने किसको लाएगा? सिंपल सा आप सोचिए, डीएनए स्ट्रैंड ऐसे शुरू होगा, ये प्राइमर डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसे मैं मिटा देता हूं क्योंकि हम लोगों को यहीं पर काम करना है। तो ए के सामने किसको लाएगा? अगर आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर करनी है, आपको क्लियर करनी है, ए के सामने ये लाएगा टी को। ये टी क्या है? थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट है। अब जब टी को लेकर जोड़ेगा तो यहां पर आप लिखिए 5' और लिखना शुरू करिए, सी के सामने जी को जोड़ेगा, जी के सामने सी को जोड़ेगा, जी के सामने सी को जोड़ेगा, सी के सामने जी को जोड़ेगा, यहां सी जोड़ेगा, सॉरी जी के सामने सी जोड़ेगा, यहां सी जोड़ेगा, यहां यहां जी जो सी जोड़ेगा, यहां जी जोड़ेगा, यहां ए जोड़ेगा, और ए के सामने टी जोड़ेगा। अब देखिए लगातार रिप्लिकेशन 2000 बेस पेयर पर सेकंड के हिसाब से डीएनए पे जोड़ना शुरू करेगा। जब इस पर लगातार जोड़ता है, इसीलिए आप कहते हैं कि जो ये स्ट्रैंड है, इसी स्ट्रैंड को जिसकी पोलैरिटी डीएनए की स्ट्रैंड की पोलैरिटी, जिसकी पोलैरिटी कितनी है 3'5', देखिए डीएनए की पोलैरिटी डीएनए की क्या है 3'5' है, इस पर रिप्लिकेशन कंटिन्यूअस हो रहा है, इसलिए इस स्ट्रैंड को हम लोग कंटिन्यूअस रिप्लिकेशन कहते हैं, कंटिन्यूअस रिप्लिकेशन स्ट्रैंड कहते हैं। जब ऐसा कर लेगा, अब ठीक उल्टा ये करेगा, अगर आप देखें तो इसे डाइजेस्ट करेगा, इस प्राइमर को टी के सामने ए जोड़ेगा, ए के सामने टी जोड़ेगा, सी के सामने जी जोड़ेगा, ये एक स्टैंड बन गया डीएनए का। बीच में गैप है, छोड़ दीजिए गैप, अभी बना रहने दीजिए, ऐसे यहां पर देखिए, अगर आपने यहां तक जोड़ दिया तो देखिए सी के सामने जी जोड़ेगा, सी के सामने जी जोड़ेगा, जी के सामने सी और जी के सामने सी जोड़ेगा, ये दूसरा बन गया। इसकी पोलैरिटी अगर आप ध्यान से देखिए तो 5' to 3' ही है ये, देखिए। अब बचा ये वाला तीसरा, ये जी है, ए है, टी है, तो जी के सामने क्या जोड़ेगा? अगर आप यहां देख लें तो एक सामने टी जोड़ेगा, टी के सामने ए जोड़ेगा। अब ये किसके स्ट्रैंड है, मैं अगर आपसे पूछूं तो ये जो स्ट्रैंड है ये डीएनए के स्ट्रैंड है, और इन्हीं डीएनए के स्ट्रैंड्स को, जो छोटे छोटे डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, ध्यान रखिए ये डीएनए के जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स हैं, इन्हीं डीएनए के छोटे छोटे स्ट्रैंड्स को हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। ये देखिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट किस में पाए जाएंगे, तो आप कह सकते हैं सर लीडिंग स्ट्रैंड पे क्या ओकाजाकी फ्रेगमेंट है? देखिए कोई डीएनए का फ्रेगमेंट है नहीं है, तो यहां लिख दीजिए नो ओकाजाकी फ्रेगमेंट।
सिंपली लिखिए कि नो ओका जाकी फ्रेगमेंट, इस पे किसी भी तरह का डीएनए का फ्रेगमेंट नहीं है, लेकिन इधर आप लिखेंगे ओका जाकी फ्रेगमेंट्स आर प्रेजेंट। कौन से फ्रेगमेंट? ओका जाकी फ्रेगमेंट्स आर प्रेजेंट। ये तो ये ओका जाकी फ्रेगमेंट्स फ्रेगमेंट्स किसके हैं? आपको बताना है कि ये डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं जिनका बीच बीच में अभी गैप है जो कंप्लीट नहीं हुआ है। ये आप समझ लें कि ये जो स्ट्रैंड है जहां पर आरएनए प्राइमर छोटा छोटा था, इस तरह से ये जो डीएनए के जो आरएनए प्राइमर था वो डीएनए कन्वर्ट हो गया है, और जो डीएनए कन्वर्ट हो गया है वो उसी को हम लोग ओका जाकी फ्रेगमेंट कर रहे हैं। तो इधर तो डीएनए कंप्लीट बना लेकिन डीएनए इधर इनकम्प्लीट है। ये जो बीच बीच में गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए, ये गैप है, ये जो आप गैप देख रहे हैं, इस गैप को फिल करने के लिए हमारे पास एक खास तरह का एंजाइम है। ये देखिए, यहां मैं लिख देता हूं, इस एंजाइम का नाम मैं यहां लिख देता हूं। ये एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए लाइगेस। एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेस, इज यूज्ड फॉर बाइंडिंग ऑफ, डीएनए लाइगेस यूज्ड फॉर बाइंडिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, बाइंडिंग ऑफ ओका जाकी फ्रेगमेंट्स लिखे। ये ओका जाकी कौन है? ये हमारे जो है बगल में पाए जाते हैं, हमारे जो मित्र हैं वही बगल में हमारे मित्र हैं, उन्हीं के यहाँ पाए रहते हैं। ओका जाकी एक साइंटिस्ट है। ये डीएनए की स्ट्रैंड्स को हम लोग ओका जाकी कह रहे हैं, और जब आप डीएनए लाइगेस का इस्तेमाल कर देते हैं तो ये देखिए डीएनए के लाइगेस का इस्तेमाल करने के बाद ये जो स्ट्रैंड में गैप था वो गैप फिल हो गया, ऐसे बनता है। और जब ऐसा हो जाता है तो अब आप देखिए बड़े आसानी से आप ये क्लियर कर सकते हैं कि लीडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' to 5' है, लैगिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5' to 3' है। दूसरा देखिए, इस पे रिप्लिकेशन लगातार हो रहा है, इस पे सिंगल आरएनए प्राइमर है। ये देखिए आरएनए प्राइमर सिंगल है, रहा पहले उसका डाइजेशन आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने कर दिया, इसमें आरएनए प्राइमर संख्या 1000 के आसपास है। ये देखिए इस पे कोई फ्रेगमेंट्स डीएनए के नहीं है, लेकिन इस पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, और इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए, ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, स्ट्रैंड्स नहीं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम लोग ओका जाकी फ्रेगमेंट्स कह रहे हैं, इनको फिर से जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब फाइनली क्या होता है? मैं अगर आपसे पूछूं ये ट्राई है कि मोनो, तो आप कहेंगे सर ये ट्राई फास्फेट है, इनको मोनो फास्फेट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप एक बात फाइनली आप देख लें, ये नेक्स्ट स्टेप इसका है, कन्वर्जन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, ट्राइफॉस्फेट इंटू मोनोफॉस्फेट। ये जो ट्राई में आपने पहले कन्वर्ट किया था उसका अपने आप, अगर आपको याद हो तो ये जितने भी आपने इस पे बेस पेयर जोड़े हैं ये सब ट्राई के फॉर्म में, थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट है, इग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट है, एसाइटिलीन ट्राइफॉस्फेट है। तो ट्राई को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? मोनो में कन्वर्ट करेंगे, जुड़ने के बाद ऐसा करेंगे। अगर आप ये बात समझ जाएं तो आपने पहले ये किया था डीऑक्सी एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एजीसीटी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना है? मोनोफॉस्फेट में, जुड़ने के बाद डीऑक्सी एडनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देंगे। जो एंजाइम आप लगाते हैं यहां पर इसको कन्वर्ट करने के लिए, उस एंजाइम का नाम है पाइरोफॉस्फेटेज। ये पाइरोफॉस्फेटेज है जो इन ट्राइफॉस्फेट्स को मोनोफॉस्फेट्स में कन्वर्ट कर देता है। और जब ऐसा हो जाता है, इतनी दूर के डीएनए की कॉपी हो जाती है, तो इसका फाइनल आप कैसा देखेंगे? ये देखिए, अगर आप इसका फाइनल देखें, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, अगर आप इसका फाइनल देखें, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, फाइनली अगर आप देखें तो क्या स्थिति बनती है, आप ये बात सीखें फिर देखा जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, अगर आपसे मैं कहूं पुराना वाला किस कलर का है, तो आप कहेंगे सर व्हाइट कलर का है, तो आप ऐसे एक व्हाइट कलर के डीएनए को बनाएं। और आपसे मैं कहूं कि इस पे किस कलर से ये नया वाला बन रहा था, आप कहेंगे सर इस कलर से बन रहा था। तो जब ये व्हाइट वाला रिप्लिकेट हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी? ये देखिए, एक स्टैंड व्हाइट वाले का होगा
और दूसरा वाला स्टैंड जो आप बना रहे हैं वो किस कलर का होगा? इस कलर का होगा दोस्त। और आप देखिए, एक व्हाइट एक न्यू, ये ओल्ड है ये न्यू है, ये ओल्ड है ये न्यू है। इस तरह से देखिए, एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे जिसमें व्हाइट वाला ओल्ड है और इस कलर वाला न्यू है। इसे कौन सा रिप्लिकेशन कहते हैं? इसे सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन कहते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में आपको ये पॉलीमरेज कितने तरह दिखाई पड़ता है? तीन तरह का दिखाई पड़ता है। जबकि अगर आप इसे यूकैरियोटिक सेल में देखें, तो मैं आपको इसका डिफरेंस आगे दिखाता हूं। देखो बेटा, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस क्या है, आप ये देखें। तो अगर आप प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं, सबसे पहले आप डिफरेंस लिख लीजिए कि टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। जो प्रोकैरियोटिक सेल का ट्रांसक्रिप्शन है वो साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि डीएनए तो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा है, तो ट्रांसक्रिप्शन वही होगा। लेकिन अगर यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन देखें तो टेक्स प्लेस इन अगर आप देखें, टेक्स प्लेस इन, एक तो ये न्यूक्लियस में हो रहा है पहली जगह, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये तीन ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ये पहली बात हो गई, आपने पहला डिफरेंस लिख लिया। दूसरा लिखिए, इसका जो टाइम है टेक्स प्लेस इन यस फेज ऑफ सेल साइकिल, मतलब प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यस फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है, सेल साइकिल के यस फेज में होता है। यह देखें, नो डिफिनिट फेज, अगर आप इसका पूरा देखें, नो डिफिनिट फेज का मतलब यह हुआ कि सेल साइकिल के किसी भी फेज में ये फेज, मतलब यहां पर कोई फेज पर्टिकुलर फेज नहीं है, जीओ में भी, यस में भी, जीटू में, तीनों जगह हो सकता है। ये देखें, अगर आप इसका देखें तो ये जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है इसमें ओराइसी सिंगल होता है, मतलब एक जगह है जहां पर रिप्लिकेशन हो रहा है। लेकिन ये जो है ओराइसी यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में मल्टीपल होता है, ये देखना है आपको, मल्टीपल लोकेशंस हैं, मतलब डीएनए में ओराइसी, मैंने तो आपको बताया था कि 1000 ऐसी लोकेशंस हैं डीएनए में जहां पर रिप्लिकेशन हो रहा है। इसके बाद ये देखिए, इसमें जो रिप्लिकेशन होता है वो वाई डायरेक्शन में होता है, मतलब जब डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है तो दो डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे आप ऐसे समझ लें कि अगर आप बाई डायरेक्शन का मतलब समझें कि ऐसे आपने डीएनए बना दिया, ऐसे डीएनए बना दिया, तो अगर यहां पर डायरेक्शन डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए खुला हुआ है, तो एक इधर रिप्लिकेशन हो रहा है, इधर हो रहा है। लेकिन यहां पर जो रिप्लिकेशन है वो यूनिडायरेक्शनल रिप्लिकेशन है, मतलब एक तरफ रिप्लिकेशन हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल रिप्लिकेशन है, ये आपको सीखनी है। ये यूनिडायरेक्शनल रिप्लिकेशन है, मतलब अगर आप फिगर देख रहे हैं तो ऐसे आप कर लें, ऐसे कर लें, फिर ऐसे बना लें और फिर आप ऐसे कर लें, आप देखिए यहां पर एक डायरेक्शन में रिप्लिकेशन होगा, लेकिन यहां पर रिप्लिकेशन जो है दोनों डायरेक्शन में होगा। यहां देखें, जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, इसके तीन टाइप हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। कौन सा है? अगर आप देखें, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। इसी फर्स्ट वाले को भी मैंने आपको नाम बताया कि इसका नाम कोरेनबर्ग एंजाइम है, क्योंकि कोरेनबर्ग ने इसे खोजा था, इसलिए इसका नाम कोरेनबर्ग एंजाइम है, आपको इसका ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसमें ये जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये पांच तरह का है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यहां पर पांच तरह का पाया जाता है जो रिप्लिकेशन करवाता है। कौन कौन से वो पांचों टाइप है देख ले आप, एक है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, एक है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बीटा, एक है गामा, एक है डेल और एक है एप्सिलॉन। इस तरह से आप देखें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में ये मेजर डिफरेंस है, जिसमें आपको सबसे मेन पॉइंट याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में वाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन है और यूकैरियोटिक सेल में ये यूनिडायरेक्शनल रिप्लिकेशन है। एक चीज और आप ध्यान रखें, यहां पर ये थोड़ा सा सिंपल होता है, यहां पर ये सिंपल होता है रिप्लिकेशन, और यहां पर जो ये होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि अगर एक्चुअली सही बात यह है कि अभी तक साइंटिस्टों को इन पांचों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली है, ये आपको ध्यान रखना है।